जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू कुक विथ अनुसुईया। तो आज बनाएंगे उड़ीसा का ट्रेडिशनल गुलगुले, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी होता है और ये ऊपर से एकदम क्रिस्प होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाना है। तो गुलगुले बनाने के लिए एक बोल में हम 1 कप गेहूँ का आटा लेंगे। इसमें हम 1/2 कप सूजी डालेंगे, 3/4 कप पीसी हुई चीनी डालेंगे और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 टीस्पून सौंफ और करीब 4 से 5 टेबल स्पून ये सूखा नारियल है उसे हम ग्रेट कर लिए हैं भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा गुलगुले में। और अब हम इसमें मोयन के लिए 4 से 5 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप घी के जगह पे तेल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे डालें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, जैसे हम पूरी वगैरह को मोयन करते हैं उसी तरह से रब करते हुए अच्छी तरह से इन्हें मोयन कर लेना है। और मोयन अच्छी तरह से देना है। और ये देखिए हमने अच्छी तरह से मोयन डाला है और जब आप मुट्ठी बांधेंगे तो आपका मुट्ठी बन रहा है, तो समझिए कि आपका जो मोयन पड़ा है एकदम अच्छा पड़ा है। और इस तरह से एकदम मसल मसल कर इसे मिक्स करना है। तो एक बार मुट्ठी बांध कर चेक कर लें तो इस तरह का होना चाहिए हमारा जो मोयन है वो। अगर कम लगे तो 1-2 टेबल स्पून इसमें और तेल या घी डाल दें। और अब हम इसे पानी से गूनेंगे। तो आटा हमें ऐसा लगाना है, रोटी से थोड़ा सा गीला करना है इसे, तो एकदम इस तरह का गीला कर दें ताकि जब ये 10 मिनट रेस्ट करे तो सूजी इसका सारा पानी जब सोख लेगा तो थोड़ा सा ही और ये हो जाएगा। तो इस तरह का आटा आपको लगा लेना है रोटी से थोड़ा सा गीला। तो 10 मिनट के बाद इन्हें हम चेक करते हैं। देखिए इस तरह का कुछ हो जाएगा आपका आटा, ये देखिए कितना अच्छा हो गया है ना। तो अब हाथ में थोड़ा सा हम घी या तेल लगा लेंगे और इसका हम छोटा छोटा इस तरह का पोर्शन में लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है। और इसे आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये करीब 1 वीक तक आपका ये ख़राब नहीं होता है। तो बनाकर आप घर में स्नैक्स के तौर पे भी रख सकते हैं। तो सारे डो का आप इस तरह से लोई बनाकर तैयार कर लीजिए। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो या तो आप तेल में या फिर रिफाइंड ऑयल में या घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और तेल को पूरी तरह से एकदम गर्म नहीं रखना है, लो टू मीडियम पे ही इन्हें फ्राई कर लेना है। और आपको ये फ्राई होने में कम से कम 6 से 7 मिनट 1 बैच का लग जाएंगे। तो पलट पलट कर इसे अच्छी तरह से एकदम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। देखिए कितने अच्छे, और ये अपने साइज़ से एकदम डबल हो जाता है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा पड़ा है, तो साइज़ भी इसका डबल हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह का ये अपने साइज़ से दोगुना हो गया है। और ये देखिए हमारे जो गुलगुले हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं, एकदम परफेक्ट गुलगुला बना है। और जो सेकंड बैच के गुलगुले हैं उन्हें भी हम सेम मेथड से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे उड़ीसा के ट्रेडिशनल गुलगुले बनके तैयार हो गए हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। थैंक यू।